तो आज के इस वीडियो में मैं अपने इस पुराने कवर को कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाने वाली हूँ। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले अपने पुराने कवर पे एक जैसो का कोट अप्लाई कर लिया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने चारों तरफ से इसको पेंट कर लिया है। एंड ब्रश से पेंट करने पे कुछ इस पे से सही से पेंट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे स्पंज का यूज़ किया है। स्पंज से काफ़ी अच्छा एक लुक आ रहा था इसमें एंड स्पंज से करने पे काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। तो इस तरीके से डैब डैब करके आप स्पंज से पूरे में कलर कर लेंगे। एंड देन इस पे मैंने एक अपना फेवरेट कार्टून ड्रॉ किया है। तो यहाँ मैंने टॉम एंड जेरी पहले प्रिंट कर लिया था और प्रिंट करने के बाद कार्बन पेपर की हेल्प से इस पर ट्रेस कर लिया है। इसके बाद आई है कलर इसमें भरने की बारी। तो बहुत ही आराम से मैंने इसमें कलर भरे हैं क्योंकि इसमें बहुत ही छोटी छोटी डिटेलिंग है एंड इसमें काफ़ी सफाई से कलर भरना था क्योंकि इसमें बहुत ही बारीक बारीक चीज़ें थी। एंड तो इसी तरीके से आप भी अपने कोई भी पुराने मोबाइल कवर को दोबारा से बना सकते हैं कुछ अलग सा लुक देके। तो बस इसी तरीके से इसमें पूरे में कलर भरते जाना है। मैंने बैकग्राउंड में ब्लैक कलर पूरे में भर दिया है। वाइट कलर काफ़ी गंदा हो जाता है तो इसलिए मैंने फिर स्पंज की हेल्प से इस पर डैब डैब करके पूरे में अच्छे से कलर फिल कर लिया है। एंड अब आई है अपने टॉम एंड जेरी में जान डालने की बारी। तो इसमें मैं काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ मैं सब की आउटलाइन कर दूंगी जिससे मेरे जो टॉम एंड जेरी है वो अलग ही लुक देंगे। अब लग रहे हैं ना मेरे रियल टॉम एंड जेरी। तो इसी तरीके से जितने इसमें डिटेलिंग ऐड करते जाओ उतना ही लुक अच्छा आने लगता है। तो बस मेरे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं कलर। अब इसके ऊपर मैंने एक टचवुड पॉलिश अप्लाई कर दिया है। अगर आपके पास वॉर्निश है तो आप वॉर्निश भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा इसका फाइनल लुक।